आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 9 के क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट करेंगे। नंबर 10 का सेकंड पार्ट है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम इफ द डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए देन प्रूव दैट एंगल डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल सी। तो हमने एंगल सी को भी जो है वो प्रूव करवा दिया। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, एबीसीडी इज अ रोम्बस, ठीक है ना। तो हमें जैसे ये पता है कि इफ है ना इफ एंगल ए है ना इफ सॉरी इफ डायगोनल एसी बाइसेक्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी है ना प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, है ना। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करा है कि एंगल ए एसी ने बाइसेक्ट करा हुआ था, वो गिवन था, एंगल सी हमने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ तो देयर फॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि एंगल ए एंगल सी के इक्वल प्रूव हो गया। अगर जो है वो डायगोनल ने बाइसेक्ट कर रखा दोनों को बराबर तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। नहीं है सो देयर फॉर वी कैन से डेट ए बी सी डी इज अ रोम्बस, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस जो है वो उनके दोनों एंगल्स को बराबर में डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए जो है वो ये रोम्बस हो गया अब ए बी सी डी, ठीक है ना। अब इसी तरीके से ये बी डी जो है वो एंगल डी और बी को बाइसेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से जो है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट पूरा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।